Good morning students, welcome back to the new session of learning in this lockdown period. This is your accounts class and I am your Neha ma'am. We are doing chapter number 5, that is accounting equation. Almost we have done 3 videos in this chapter and I hope we have completed all the conceptual video. Okay, so today we are going to discuss question number 3, which is reflecting on your screen. Okay, so I am going to make the format. Okay, first is serial number, then transactions, then assets is equal to liability plus capital, just मैंने roughly बनाया है. You can go with the pen. Okay, sorry. You can use the scale. तो format आपके सामने है. अब मैं पढ़ती चली जाऊंगी एंड आपको फिर उसका ट्रांजेक्शन्स का इफेक्ट बताती चली जाऊंगी. ठीक है. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000. ठीक है. तो आई एम गोइंग टू रीड इट आउट फॉर यू, डोंट वरी. तो फर्स्ट आई विल राइट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश और आई कैन ऑल्सो राइट कमेंस बिजनेस. ओके, स्टार्टेड बिजनेस. ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. कैश से हमने बिजनेस स्टार्ट करा. आई विल राइट ओवर हियर कैश. असेट्स के नीचे आई विल राइट कैश एंड इधर कैश बढ़ा तो ऑब्वियसली कैपिटल भी आया. ठीक है, तो कैश के नीचे कितना आया, 50,000. तो शुरू में जो हम कैश लेकर के आए, मशीन लेकर के आए, गाड़ी लेकर के आए, लैंड लेकर के आए, कुछ भी लेकर के आए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल. तो दिस इज माई कैपिटल 50,000. ओके, देन सेकेंड सैलरीज पेड ₹2,000. ओके, आई विल राइट ओवर हियर सैलरीज पेड. सैलरी हम कैसे पे करते हैं, आपको सैलरी अगर कोई पे कर रहा होगा तो कैसे पे कर रहा होगा, ऑफकोर्स कैश में पे कर रहा होगा. सो आई विल डिडक्ट 2000 फ्रॉम कैश. ठीक है, आइदर यू कैन यूज द माइनस साइन और यू कैन यूज द ब्रैकेट. ब्रैकेट मतलब अकाउंट्स में माइनस ही होता है. ओके, तो आई हैव रिटन ओवर हियर -2000 एंड हियर -2000. कैपिटल भी आपका 2000 से घट गया एंड हियर न्यू इक्वेशन, एनी मीन्स न्यू इक्वेशन, दैट इज 48,000 एंड 48,000. तो बोथ द साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. ओके, देन थर्ड में लिखा है, आप भी अपने सामने बुक खोल के रखे अगर आपके पास बुक्स हैं तो. ठीक है, वेजेस आउटस्टैंडिंग ₹200. ठीक है, आई विल राइट हियर वेजेस आउटस्टैंडिंग वेजेस. ओके, तो आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू. ठीक है, वेज मतलब होता है लेबर को जो हम लोग पेमेंट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वेज. ओके, तो वेज आउटस्टैंडिंग है मतलब हमने लेबर से काम करा लिया है बट उसको अभी तक पेमेंट नहीं करा है. ओके, तो लेबर आउटस्टैंडिंग है. ठीक है, आउटस्टैंडिंग जो वेज होता है वो क्या है, वो हमारे लिए एक लाइबिलिटी है, हमारे माथे पे एक लाइबिलिटी है. ठीक है, तो आई विल राइट हियर आउटस्टैंडिंग वेजेस. तो लाइबिलिटी कॉलम में आपने देखा भी होगा कि आपको मैंने सिखाया था कि लाइबिलिटी कॉलम में एक क्या हो जाएगा, एक न्यू कॉलम ऐड हो जाएगा, वेजेस आउटस्टैंडिंग. और यहाँ पे हम लिख देंगे कितनी की वेजेस आउटस्टैंडिंग थी, 200.
ठीक है, एट द सेम टाइम ये हमारा क्या है, एक्सपेंस है, और हमें फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, ठीक है, तो हम उसको कैपिटल से डिडक्ट कर लेंगे, -200, ठीक है, दिस इज वन ट्रांजेक्शन, में एक और ट्रांजेक्शन करूंगी, फिर न्यू इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, या फिर अगर आप चाहो तो यहां पर भी न्यू इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है, 48,000 इज इक्वल टू 200, पर इधर कर सकते हो 800, दिस इज 47,800, टोटल 48,000 ही है, दैट मीन्स वी आर करेक्ट. नेक्स्ट फोर, ठीक है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, ठीक है, इंटरेस्ट ड्यू हो चुकी है बट हमने पे नहीं किया है, ये भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की तरह ही है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड. ओके, तो अगेन हमारा, हमें इंटरेस्ट, आई विल राइट हियर, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, ठीक है, तो आप यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड कर लोगे, उसका नाम होगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे कितना है आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, 100, और अगेन ये आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है, एक्सपेंस को आप क्या करते हो, कैपिटल से माइनस कर देते हो, तो देखो इसका इफेक्ट दिखाई दे रहा है, कुछ ट्रांजेक्शन्स का इफेक्ट बोथ साइड होता है, कुछ ट्रांजेक्शन्स का इफेक्ट वन साइडेड ही होता है, ठीक है. देन नेक्स्ट, रेंट पेड इन एडवांस 150, 150 रुपया का रेंट हमने एडवांस में पे कर दिया है, ठीक है, रेंट पेड इन एडवांस, ठीक है, रेंट हमने एडवांस में पे कर दिया, मतलब हमने अभी, हमें रेंट पे करना चाहिए था नेक्स्ट मंथ में, तो हमने अभी पे कर दिया है, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हमारा क्या है, असिट्स है, ठीक है, ये हमारा असिट्स है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे असिट्स के नीचे प्लस प्रीपेड रेंट, ठीक है, रेंट पेड इन एडवांस को हम लोग लिखते हैं प्रीपेड रेंट या फिर पेड इन एडवांस, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 150, ओके, ये हो गया 150 प्रीपेड रेंट के नीचे, एंड साथ ही साथ ये जो हमने एडवांस किसी को पे किया है तो ऑब्वियसली कैश दिया होगा, तो ये कैश से 150 डिडक्ट हो जाएगा, ओके, तो इसके बाद हम अपना न्यू इक्वेशन करेंगे, एनी दैट इज न्यू इक्वेशन, यहाँ पे हो जाएगा 150 या 47,850, हियर 200 प्लस 100 प्लस 47,700, ओके, हम लोग अगर बोथ द साइड को हम लोग ऐड कर लेते हैं तो इधर हो जाता है 48,000, एंड इधर हो जाता है 300, यहाँ पे ऐड कर लो, हो जाएगा 48,000, इट मीन्स वी आर करेक्ट, ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, इफ यू आर नॉट अंडरस्टूड यू कैन गो बैक टू द वीडियो अगेन. अब हम दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 7, प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, ओके, तो अगेन हम क्वेश्चन नंबर 7 की फॉर्मेट बनाएंगे, सीरियल नंबर, ठीक है, ये क्वेश्चन छोटा है बट इसमें कुछ कुछ हैं जो आपको समझना चाहिए, ट्रांजैक्शंस एंड हियर असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ओके, इसके साथ ही हम एक कॉलम लिख छोड़ देते हैं कि असेट्स के नीचे जो भी आइटम्स आएंगे उसको हम लोग लिखेंगे, लायबिलिटीज के नीचे जो भी आइटम्स आएगा उसको हम लिखेंगे, ठीक है, तो पहला देखिए, अगेन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कैश से हम बिजनेस स्टार्टेड करते हैं, बिजनेस स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है, कैश हम बिजनेस स्टार्ट करा तो क्या लेकर हम आए बिजनेस में, कैश लेकर के आए, कितने की, 1,00,000 रुपए की, ओके, और एट द सेम टाइम इसको हम कैपिटल में भी लिख देंगे 1,00,000,
ठीक है, कैपिटल के नीचे भी हमने लिख दिया 1 लाख, ठीक है। सेकंड हम, मैं यहाँ पे लिखती हूँ परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। तो हम लोग एक एक करके करेंगे, ठीक है। पहले मैं मान लो ये सोचती हूँ, ये पढ़ती हूँ कि परचेज गुड फॉर कैश 20,000, हमने गुड्स मतलब सामान खरीदा, ठीक है, कितने का खरीदा, पैसे दे करके खरीदा 20,000 की। तो हम यहाँ पर लिख देंगे परचेज्ड गुड्स, ठीक है, एक ये लिख करके लिख दिया कैश, कैश में खरीदा, कैश में खरीदेंगे तो कैश हमारे यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से डिडक्ट हो गया, हमने कैश में खरीदा। इसके साथ ही हमारा स्टॉक जो है वो जुड़ गया, दैट इज 20,000, ठीक है, मतलब बराबर हो गया। सेकंड में क्या लिखा है, क्रेडिट, कैश का तो हमने कर लिया, अब क्रेडिट का देखते हैं। परचेज गुड्स फॉर क्रेडिट ऑन 30,000, 30,000 का हमने उधार में सामान खरीदा है, ठीक है, उधार में खरीदा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉक तो हमारा बढ़ गया, उधार खरीदो या फिर कैश खरीदो, सामान तो हमारे पास आ ही रहा है, तो हमारा सामान बढ़ गया यहाँ पे 30,000, ओके। एट द सेम टाइम हमने किसी से उधार में खरीदा, मतलब हमें फ्यूचर में उस इंसान को पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, तो उस इंसान को हम लोग बोलते हैं अकाउंट्स की भाषा में क्रेडिटर्स। हमारा इन लायबिलिटी के नीचे एक क्रेडिटर की बढ़ोतरी हो गई, बढ़ गई, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कितना, 30,000, ठीक है। अब हम यहाँ पे न्यू इक्वेशन बना लेते हैं इससे पहले कि हम फंस जाएं और हमें हमारा दिमाग काम करना बंद कर दे। 80,000, ठीक है, प्लस 50,000 इज इक्वल टू 30,000 प्लस 1 लाख, हो गया हमारा इतना काम, ठीक है। बस अब हमें एक ट्रांजेक्शन करना है, ट्रांजेक्शन नंबर 3, ठीक है। ये देखिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 एंड ऑन क्रेडिट रुपीज 15,000, बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। हमने दो तरह से सामान बेचा, ठीक है, तो हम इतना अपने आप को कंफ्यूज नहीं करेंगे, हम अभी एक के बारे में सोचेंगे। हम सोचेंगे कि हमने सामान बेचा कैश में, ठीक है, हमने सामान बेचा कैश में, और एक अच्छी बात यह है कि दोनों में हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, 20-20%, ओके, ठीक है। तो अभी हम क्या सोचेंगे, सबसे पहले कि हमने बस क्या किया है, सामान कैश में बेचा है 10,000 का, जिसमें हमने 20% क्या किया है, प्रॉफिट अर्न किया है, ठीक है। तो अभी देखो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट्स कर रही हूँ, ठीक है, वर्किंग नोट्स, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कितना है गुड्स का, क्या दाम है, कैश में हमने गुड्स दिया कितने का, 10,000 रुपये का, और इसमें प्लस 20% प्रॉफिट ऑन किया, ठीक है। तो अब इसका हम 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,000, तो हमारा हो जाएगा 10,000 का गुड्स था एंड 2,000 हमारा क्या था, प्रॉफिट था। Am I क्लियर टू यू, ओके, दिस वॉज द कंडीशन। तो हमने गुड्स हमने क्या किया, बेचा कैश में, तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या आया होगा, ठीक है, ठीक है, सबसे पहला चीज हमने गुड्स बेचा, हमारे पास हमारे हाथ से सबसे पहले क्या गया, गुड्स गया। चलो तो हम गुड्स को भेज देते हैं, ठीक है, 10,000 का गुड्स भेज दिए, ठीक है, हमने 10,000 रुपये का गुड्स भेज दिया, 10,000 से गुड्स कम हो गया, ठीक है, प्लस लेकिन हमें 10,000 के बदले कितना पैसा आया, 12,000 रुपये आए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैश में 12,000 आए, क्योंकि हमने इस ये जो सेल परचेज किया था वो कैश में करा था, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब आप चाहो तो यहाँ पे न्यू इक्वेशन भी फॉर्म कर सकते हो, या तो आप इसको आगे भी लेकर के जा सकते हो, तो ठीक है, तो बेटर है कि आप न्यू इक्वेशन जैसा कुछ लिख लो, न्यू इक्वेशन 92,000 प्लस 40,000 30,000 प्लस 1 लाख, ठीक है। और सेकंड हमने क्या किया, क्रेडिट में बेचा,
उधार में बेचा, ठीक है। तो उधार में कितना बेचा, उधार में कितना बेचा, 15,000 का गुड्स हमने उधार में बेचा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गुड्स ऑन क्रेडिट, ओके। 15,000 का गुड्स था, उसमें हमने 20% प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है। तो इसको मैं कुछ बच्चों को नहीं निकालने आ रहा हूँ, तो मैं दिखा दूँ, 15,000 का 20% इज इक्वल टू 3,000, ठीक है। तो इधर हम 15,000 रुपया लिख देंगे प्लस 3,000, दैट इज 18,000। तो वो इंसान जिसको हमने गुड्स बेचा, ठीक है, वो कितने कितना हमें देगा, 18,000 देगा। सबसे पहले तो आपने गुड्स दिया है, ठीक है, गुड्स दिया है, तो हम अपना चुपचाप से क्या करेंगे, गुड्स में उतना डिडक्ट कर लेंगे। तो गुड्स हमने कितना का दिया है, 15,000 को, तो हम यहाँ पे 15,000 माइनस कर लेते हैं, ओके। साथ ही साथ ये जो पर्सन जो हमें फ्यूचर में पैसा देने वाला है, ये हमारा डेटर्स होता है, ठीक है। जो हमसे पैसा लेने वाला है उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स, और जो हमें पैसा देने वाला है उसको हम बोलते हैं डेटर्स। लिखते हैं डेबटर्स है, बट ये बी साइलेंट रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेटर्स, ओके। और यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे डेटर्स 15,000 की, ओके, क्रिएट कर लिया हमने। तो अब हम क्या करेंगे, न्यू इक्वेशन फॉर्म कर देंगे, 30,000 प्लस 1,00,000, ओके, ठीक है। और हमने एक ये करा है, देखो यहाँ पर जो हमने प्रॉफिट जो था हमारा 2,000 का प्रॉफिट जो था, रियली सॉरी आई फॉरगॉट कि हमने जो यहाँ पे 2,000 का प्रॉफिट अर्न किया है, देखो 10,000 के गुड्स को हमने कितना में बेचा है, 12,000 में बेचा है, तो 2,000 हमने प्रॉफिट अर्न किया है। तो हम लोग हमेशा प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हमने डेटर से हमें लेना है 18,000, कितना लेना होता है, 18,000, भले हमने सिर्फ 15,000 का गुड्स उसको प्रॉफिट में बना करके, कोई भी हमें अगर, मैं अगर किसी से लेने जाती हूँ कोई सामान, तो ज़रूरी नहीं है वो अपना प्रॉफिट रख करके ही मुझे देता है। तो मेरा गुड्स का दाम कितना था, 15,000, अब मुझे अब डेटर से कितना लेना है, 18,000 रुपया लेना है, तो 3,000 रुपया इसमें मेरा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं 3,000 रुपीज़ ऐड कर दूंगी, तो ये हो जाएगा 1,500, ओके, 1,500। और इधर कितना हो जाएगा, 18,000 जो हमें लेना है, 92,000 क्या कैश है, और यहाँ से 15,000 रुपया माइनस कर देंगे, ठीक है, हमारा बच जाएगा 25,000 रुपया, ओके। अब तीनों को हम ऐड करेंगे, देखो कितना होता है, इधर हो जाएगा 1,35,000, ठीक है, और इधर भी हमारा क्या होगा, 1,35,000 रुपीज, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, वी हैव सॉल्व्ड टू क्वेश्चंस, यू कैन सी एंड गो थ्रू इट। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल सॉल्व फ्यू मोर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।